दोस्त अभी हम मौजूद हैं मैरवा में, और यहाँ पर बता दे 45 साल का जो बूढ़ा है 11 साल के लड़की से शादी करता है, और यही लड़की हमारे बगल में खड़ी है और उनकी माँ भी खड़ी है। आइए पूरा आपको सच्चाई बताते हैं, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। क्या नाम है बाबू आपका? संध्या कुमार। आपके आपके साथ क्या हुआ है? शादी। कौन शादी किया है? महेंद्र पांडे किया है। कैसे आपके से शादी किया, क्या बोला था आपसे? बेटी बना के ले गया। उसके बाद क्या किया? वो शादी किया। शादी में कौन कौन शामिल था? उसकी पत्नी थी। हाँ, पत्नी क्या बोल रही थी उसकी? वो वही बोली थी उससे शादी करने के लिए। वही बोली थी? जबरदस्ती की थी? हाँ। जबरदस्ती में क्या हाथ पैर बांध दी थी? नहीं। हाँ, क्या की थी? हाथ पैर नहीं बांधी थी? नहीं। तो क्या की थी आपसे जबरदस्ती में? हमारे साथ नहीं की थी। हाँ। उनसे बोली थी कि शादी कर लो। अच्छा, वो अपने पति से बोली थी लड़की से शादी कर लो। हाँ। आपसे? हाँ। देखिए यहाँ पर बड़ा खुलासा हो रहा है, जो पांडे है ना, ये लड़की का जो पांडे का जो पत्नी है, ये लड़की से जबरदस्ती कहती है कि पांडे से शादी करो, बोली है ना? और उससे भी बोली है। अच्छा, उसे भी बोली है? हाँ। क्यों बोली है ऐसा? कि वो बीमार रहती है। बीमार रहती है? हाँ। तो उसको नहीं लगा कि 11 साल की तुम बच्ची हो, तुम खाना बनाएगी, पिलाएगी, खिलाएगी और रहेगी? एक मिनट, ये बताओ बाबू, तुम बोली हो कि हम उसी के साथ रहेंगे 18 साल हो जाएंगे तो हम उसके पास चले जाएंगे, क्या बात ये सही है? जाओगी उसके पास? नहीं नहीं जाएंगे। तो कल बोल रही थी कि जाएंगे उसके पास। अपना बयान कहा चेंज कर रही हो? बयान कहा तुम चेंज कर रही हो अपना? कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, धमकी दिया है तुमको? बुलाए मार देंगे? हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारी मम्मी तुमको पैसा लेके बेची है वहाँ पे? वो पैसा तुम तुम्हारी मम्मी को हमेशा देता था क्या, हर महीने? घर पर कब कब आता था वो? कभी नहीं आता था। मम्मी नंबर मांगी तभी आया। तुम्हारा संपर्क कैसे हो गया तुम्हारा? तो घर पे आया जब मम्मी नंबर मांगी तो। अच्छा, घर पे आया तो तुमसे कुछ बोल रहा था वो? नहीं, पापा से और मम्मी से बोल कर ले गया कि इसको बेटी बना कर ले जाएंगे। अच्छा, उठा के लेके चल गया? कितने दिन शोषण किया है तुम्हारे साथ? गलत काम भी किया है तुम्हारे साथ? एक डेढ़ महीना रखा है तुमको, गलत काम भी किया है? देखिए लड़के, हाँ बोलिए। तीन महीना, कितना दिन से तुम वहाँ उसके साथ हो? कहाँ कहाँ लेकर गया था? रघुनाथपुर लेके गया था, और आपसे जबरदस्ती भी कर रहा था, घर पर भी लेके गया था? घर पे लेकर गया था। और ये बताओ, सपना दिखाया था, इधर उधर घुमा रहा था, क्या कह के तुमको फुसलाया था शादी करने के लिए? कौन बेच देंगे? अच्छा तुम किस क्लास में पढ़ती? अच्छा आपकी मम्मी बेची है? नहीं, बोल रहा था कि आपकी मम्मी दूसरे से बेचने जा रही है आपको। हाँ। ऐसे बोलकर आपको लेके गया? हाँ। लेकर नहीं गया, वहाँ पे चला गया तब बताया। हाँ। अच्छा तुमको उसमें क्या दिखा कि तुम उससे शादी कर? हाँ। क्यों उससे शादी की? और लड़का भी तो तुमको मिल जाता, लेकिन उससे ही शादी क्यों की? क्यों की? ये बताओ, दो बच्चा का पिता है, उससे तुम क्यों शादी की हो? अभी तुम क्या चाहती हो? अभी तुम क्या चाहती हो? होना चाहिए, होना चाहिए। तुम्हारा माँ पापा की भी गलती है इसमें? नहीं, उन लोग जिंदगी नहीं बर्बाद किया है? तो वो लोग तो जिंदगी बर्बाद न बस किए हैं। कैसे किया है? तुम उससे प्यार भी की थी? हाँ? प्यार की थी उसे? अच्छा ये बताओ, पांडे से प्यार की थी? हाँ? आप लोगों को मैं रुके बताएगी। तुम उसे प्यार भी की थी पांडे से? रुके ना, पांडे से तुम प्यार की थी? हमको नहीं पता है। नहीं पता है तो फिर कैसे डेढ़ महीने रह गई साथ में? तुमको विरोध नहीं करना चाहिए, बोला नहीं चाहिए माँ पिता से? बोली हो, बताई हो? तुम्हारे चलते यहाँ पर तुम्हारे माता पिता ही फंस रहा है, पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, पूरा समाज गंदगी फैल रहा है, तुम लोग समझ रहा है? उसका पत्नी का और भी शादी हुआ है? हाँ। कौन बोल रहा था? वही बोली थी। क्या बोली थी? हमारा दूसरा शादी है ये। दूसरा शादी है? और उसके बाद तुम्हारा भी तीसरा शादी करवा दी? देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं ना, समाज को गंदा कर रहे हैं। अरे लड़की है, नादान है, क्या समझ रही है, कौन क्या सिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? और तुम अपना बयान क्यों बदल रही हो? कल बोल रही थी, तुम बोल रही थी कि उसको उसके साथ रहना है, उसको जेल से बाहर भी निकले, क्यों बोल रही थी? कल बोली है तुम?
वीडियो में बोली हो तो उसके साथ ही जाएंगे। हाँ तुम बोल रही हो कि 18 साल का हो जाएंगे तो उसके साथ रहेंगे, शादी ब्याह करेंगे, तुम बोली हो क्या? देखिए उसका बोल तो तुम बोली हो, झूठ बोलेगा। तू बोल रही है नहीं नहीं बोले है तो वीडियो झूठ बोलेगा। तुमसे क्या बोल रहा था जब तुम लोग जेल से बाहर निकला, वो भी था साथ में, कुछ कह रहा था तुमसे, धमकी दे रहा था वहाँ पर? नहीं, अभी जेल में है। तुम क्या चाहती हो, जेल से बाहर निकले कि जेल में रहे? तुम बताओ, वो जेल में रहे कि जेल से बाहर निकले? जेल ही में रहे। देख सकते हैं दोस्तों, अभी जो लड़की है इनका अभी दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है, और बच्ची है, कितना एज भी है, और कुछ पूछना है? कितना एज, एज कितना है? 12 साल, 11 साल का है। तुम कितना साल का है? सभी लोग कह रहे हैं कि तुम 11 साल की हो, कितना साल की हो? 12 साल चल रहा है। पढ़ती हो? किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में पढ़ती हो। आगे क्या बनना है? आगे तुमको कहाँ रहना है, यहाँ पर रहना है कि पंडा के घर पर रहना है? यहीं पर रहना है। आगे फिर जाकर भागेगी नहीं ना? ऐसे नहीं कहेगी कि उसी साथ रहेंगे, उसी साथ खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वही पढ़ाएगा। यही बताओ, उतना बूढ़ा था, तुमको लाज नहीं लग रहा था कि उसके साथ जाकर रह रही थी? तुम बूढ़ा के साथ पुलिस बनने वाला लड़की करेगी, तुमको लाज नहीं लग रहा था? बूढ़े के साथ तुम कह रही थी रहेंगे उसी के साथ, डेढ़ महीना रह गई है। अब बाप मतारी का फोन की थी जब उसे शादी किया तुमसे? नहीं था नहीं। तो दूसरा किसी नहीं कहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, शादी करने जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति है। तुम बोली हो है? समाज से गंदा ना हो रहा है? ठीक है, तुम बची हो तो बाप मतारी अभी तो समझदार दिमाग है ना, कि बाप मतारी से आके बोले कि जबरदस्ती कर रहा है, शादी करने जा रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा बाप मतारी बेच देगा। तुम बोली आके, तुम्हारे में गलती नहीं है, है? और देखिए यहाँ पर इनकी माँ इनसे बातचीत करते हैं, क्या बोल रहा है बेटी के संग? पीछे हो जाइए आप लोग, सब पीछे जाइएगा तब ना आगे बढ़िया। क्या हुआ आपके बेटी के साथ? बेटी के साथ हुआ कि बेटी बना कर ले गया। आप इधर घूमिए, इधर घूमिए, पीछे जाइए, हम बताते हैं। आप पूरा घूमिए, खड़ा हो जाइए, खड़ा। आपके बेटी के साथ क्या हुआ है? ब्याह कर लिया है, उसके साथ में गलत काम भी किया है। कौन ब्याह किया है? महेंद्र पानी। महेंद्र पानी ब्याह किया है? तो बेची हो आप ही ना? आप ही ने बेची हो? हम बेचे नहीं है सर। हाँ, अपना लड़की कोई कभी जिंदगी में नहीं बेचता है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और खाने पीने का खुशी में आता है तो इसको दे देता, पांच पैसा देता है, इतना पैसा ला है। तो है कि 50,000 उसको दिए है पैसा, वो तो कह रही है देखा बेचे दो कितना दे पैसा खर्चा कर दे लोग, एक रुपया ना गन दे ले। बेटी बताई थी आपसे कि शादी कर रहा है हमसे? नहीं बताई थी। आप लोग डेढ़ महीने से कहा थे, खोज नहीं थे अपने बेटी को? गई है उसके बिहार वाला, हम कागज दिए लिख के, दो तीन तीन गो कागज दे ले, कोई थोड़ी देर गई गोल नहीं गए। हम पैसा लेना की उनका काम पैसा दे तो हमारे बेटी के जो है तो हम कहा जो है जाए। आपकी बेटी के कब शादी किया? अब हमको बताना है कि कब शादी किया, अब बताई नहीं। रोगा कहते कि शादी हमने की पता, वो बोल रहा है कि शादी हमको पता है, वो खुद लेके आई है, शादी के दिन हमसे शादी करवाई है, खुद कह रहा है कि माँ उसकी शादी करवाई है। कुछ नहीं जाता है, उसका मेहरारू शादी करवाई, उसका मेहरारू भी बोल रहे थे जो उसके उसकी माँ आई थी इधर, पीछे से लाके छोड़, पीछे से लाके छोड़ दी है, छोड़ के चली गई है। सब झूठ बात है, ठीक है, सारा झूठ बोल रहे हैं कि अब मेरा बेटा निकल जाए। अच्छा, झूठ बोल रही है? हम पहले आपकी बेटी का एज कितना है? बेटी की 11-12 साल का बारी, 11-12 साल की है। हम सूरी में बेटी लेकर भाग गए बिहार, हम गई घर कैसे लेके आए हुए तो मैं तो देख कर तू जान, हम नहीं जान उनके बारे में, ना उनके फोन बतियावे ना हम जानते नहीं, हम ठीक बा ये बड़ा नकू जाते ओवर मत जानी हो। और तीनों जाने का मिरर भगी था, लेकर भागल बार माई के उनका बहन के उनका मेहरारू के उनका भाइयों बार हमारे सबके मिलल बा, सबके मिलल बा, सब कोई राय होगा बा कि हमारा बेटा आएगा, हम कर ले बा, कर ले बा, साग भात खियो ले बिया, मूंग भात खियो ले बिया, ये बड़ा कैसे तेरा पता बा? तू तो कहती है पांडे के पत्नी ला कर बेच दी है? नहीं नहीं, सब झूठ, मम्मी बेची है, सब झूठ बोल रही है, खुद खुद कराई है करनी। हम कहे हमारा बेटी से कभी जिंदगी में शादी नहीं, उसके साथ काय भेजे भेजे नहीं है। हम तो जाने की चल बजी जूती गिर के हमको आ जाएगा, और अपना घर चल जाएगा, हम अपना मारो आ जाएंगे। आए तो हम चार को हमार लड़की और मेहरारू दू गो लड़का ले लेबा, तो हम बताइए हम के गाँव पर बच जाए। अच्छा, तो हम कहीं चलो मारे तो तेरा क्या हर बाबा से, तो हमारा से लेकर तो हम अपन फिर किन के लेकर जूते किन दिए, लेके आ जाए घरे, तो ये लेकर बैठा के कह रहे उल्टा चल गए। आप फोन ना करे, 12 बजे फोन कर ले बारी, हम अभी तो साथ में थी, साथ में ही तो हम घर वाले लोग चला करके धोखा था हम आए। हाँ, तो खाली अब बहाना बना रही है,
समझना चाहिए उतनी बड़ी है तो छोड़ दिए दूर बाई चलो हम पैदल के चले जाए गाड़ी से बनी तो कहीं फाँक तो हम चल सनी अब साथ छोड़े का अपनी बेटी को का छोड़े अकेले छोड़े छोड़े बनी ओकर मारो खुद साथ में दिया बेटी बराबर उसके मेरा से आपको क्या करना है तो कॉलिंग करो भाग क्या मारो तुम चल तनी अरे बहाना बना रहे हैं आप लोग बहाने में आप भी बहाना बना रहे हैं आपका बेटी के बोल रहे हैं जिंदगी बर्बाद कर दी है अब गाय जूती की ले आप वो जिंदगी बर्बाद कर दी लड़की पांडे मिलकर आप मिलकर अपने बेटी का जिंदगी बर्बाद कर दी है बोला है कि हमरा घर आओ हां घर आओ तो घर से चला आया कोई बुलाएगा तो आप अपने बेटी को घर भेज दीजिएगा तो अकेले थोड़े भेज रही घर है कोई कि चल भाई घर से आओ उसके पति बाप कैसे विश्वास कर ले कि आपको ले तो चले खुद ले मोबाइल पर कह दे बा ये कह रहा है कि मामा हमर मम्मी के बात करवा तब हम कह जाए हम से करो ना कुछ बता लो ना कि मेहरारू ना ये बता ले बिया ना वो बता ले शादी हुआ दो महीना हो गया आपको आज पता चल रहा है तो मोबाइल पर क्या बोल रहे गाँव समाज में नहीं बोला की मेरे बेटे से शादी कर लिया है जो की कम एज का लड़की है कम उज का खुद मोबाइल में भेज तब हमको पता चला ठीक बा मोबाइल न आता है न जाता है मोबाइल अपने लड़की को बेच दिए थे नहीं सारा झूठ बात है बोले कि आपका सपोर्ट है और नहीं नहीं कुछ नहीं वो जब मन जानता है कि घर से भाग गया सब ठीक है वो गल भी तैयार पांडे का कोई शादी हुआ है दुगो सुनता है कि दुगो शादी भइल बा उसका दुगो शादी हुआ है मेरारू के बाद दुगो शादी है आज तीसरा शादी कर रहा था पतिया है हम बा हमरा बेटी से कभी जिंदगी में शादी मत कर तेरा बाप लगवा अब कौन बताया तू जनी हो बेटा को का का उतारा आता है अभी अपने वो अभी पकड़ा गया जेल में है आप क्या चाहती हैं क्या चाहती हैं हम खुश है का अब उसी में रहे जितना दिन रहना है उसमें रहो आप अभी आपने अपना लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया आगे चल के हम कर शादी कर पाएगी या कोई लड़का उससे शादी करेगा बताइए हम जीवन फरकार थोड़े करे हैं हम कहीं अकेले तो कोई हम अकेले जाए तो कहीं नहीं जा सकते है बताइए हम अकेले हमारे पीछे कोई है देखिए दोस्तों यहाँ पर उनकी माँ है और काफी दुख में तकलीफ में और आपको बता दें जो लड़की है 12 साल की है और 12 साल की लड़की में समझिए कि क्या दिमाग रहेगा कि